Hello student, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Saucy Bubbles School and you are SST teacher. So, today's our chapter is name is Climatic Variation. Yes, beta. ये हमारा part third है. हम पहले भी इसको दो बार कर चुके हैं, ठीक है? तो मैंने आपको जो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो फैक्टर थे जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि हमारा लैटिट्यूड था, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था. एंड लैटिट्यूड के हमने उसमें मैंने आपको थ्री जोन्स बताए थे, द टॉरिड जोन एंड द टेम्परेट जोन एंड द फ्रस्ट जोन. देन एल्टीट्यूड के बारे में बताया था एंड ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, ठीक है. तो अब मैं उसके बारे में थोड़ा आपको आगे बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार और मैं आपको ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बता रही हूँ. तो उसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. जो पानी का जो अमाउंट होता है, जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है या फिर वाटर वेपर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारी हवा में, उसको हम वाटर वेपोरेशन कहते हैं. ग्रेटर ह्यूमिडिटी लीड्स टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, तो क्या होता है उसकी वजह से ग्रेटर अमाउंट उसके से बारिश होती है ना. एंड विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. मतलब उसके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे ही हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, उसको इफ़ेक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है, ठीक है बेटा. देन आगे है हमारा, दिस इज़ वाई कोस्टल एरियाज सच एज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई. इसकी वजह से जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कि कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, ये सारे क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. मीन्स यहाँ का जो वेदर है उस वेदर में मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिड वेदर कैन बी वेरी अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर एज इट कॉज अस टू स्वेट अलॉट. मतलब इस वेदर की वजह से बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है कब, समर्स में. और इसका समर्स में अनकम्फर्टेबल फील क्यों होता है, वो इसलिए फील होता है बेटा क्योंकि हमें स्वेट बहुत ज़्यादा आता है. इसलिए नाउ दिस डे यू आर फीलिंग ऑल्सो दैट हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है. हम कूलर के आगे बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें स्वेट आ रहा है, स्वेट आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल होता है. तो यही सारी चीज़ें जो है हमारी, वो हमारे क्लाइमेट को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में तो वहाँ बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब इसमें पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारे जो क्लाइमेट को है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड इट्स क्लाइमेट. जो डिस्टेंस होता है सी से कि कितना है, कैसे है, ये भी डिसाइड करता है क्या क्लाइमेट को, कि क्लाइमेट कैसा होगा और मतलब किस तरीके का होगा एक प्लेस का, अगर मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सी से. देन प्लेसेज नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट विद कूल समर्स एंड वार्म विंटर्स. अगर जो प्लेसेज हमारे सी से नियर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मीन्स मॉडरेट ठीक होता है, गर्मियों की बात करें तो ठंडा रहता है, एंड अगर हम सर्दियों की बात करें तो वो वार्म रहता है. तो मॉडरेट है, ठीक है, ठंड भी नहीं लग रही है और गर्मी भी नहीं लग रही है, राइट. देन On the other hand, places away from the sea generally have an extreme climate with very hot summers and very cold winters. अगर हम बात करें दूसरी तरफ, हम बात करें जो places away मतलब दूर होते हैं सी से, वहाँ पर क्या होता है, generally बहुत ज़्यादा ही hot होता है summers में and बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गर्मियों में. अगर पास हैं तो moderate temperature रहता है, अगर दूर हैं तो क्या कहते हैं, क्या होता है, hot होता है summers में और बहुत ज़्यादा cold होता है किसमें, विंटर्स में. देन ये भी मैं पूछूँगी सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. तो बेटा सी ब्रिजेस कैसे, ये हर कैसे इफेक्ट करती है, आपको पता है जो सी ब्रिज होती है, हवा होती है जो कि बहती है कहाँ से, समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ को, राइट. तो इसमें लिखा है सी ब्रिज इज एनी विंड दैट ब्लो फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर टू टू वर्ड और ऑन टू अ लैंड मास.
तो सी ब्रीज जो हवा होती है ब्लो जो बहती है फ्रॉम अ लार्ज बॉडी में सी समुद्र से और वाटर टूवर्ड किसकी तरफ लैंड की तरफ को उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। एंड लैंड ब्रीज इसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जो विंड होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम लैंड टू वाटर, मतलब ज़्यादातर ये लेट नाइट में होता है। अगर हम पानी के अकॉर्डिंग बात करें तो आप सभी को पता है मतलब कि जो पानी के अकॉर्डिंग जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है एंड बहुत जल्दी ही गर्म भी हो जाती है। वो तो क्या होता है जब दिन में जब सूरज निकलता है तो जो हमारी धरती है मींस लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। जो हवा फिर वहाँ से बहती है तो हवा क्या होती है गर्म होती है। एंड जो सी है वो क्या होता है उस टाइम पे और अगर ठंडा होता है वहाँ ठंडी हवा आती है वो, क्योंकि देर में गर्म होता है पानी। अगर पानी अगर शाम होती है तो पानी जो है ठंडा होने में उसको टाइम लगता है, लेकिन लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन जहाँ से सी से लेकिन जो विंड्स आती हैं वो विंड्स ठंडी होती हैं उस टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे जो विंड्स होती हैं वो गर्म होती है और लैंड की ठंडी होती है नाइट में, क्योंकि जो नाइट में जो लैंड की हवा होती है वो ठंडी होती है। क्योंकि जैसे आपको बताया कि जो अगर पानी के अकॉर्डिंग हम लैंड की बात करें वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही वो ठंडी होती है। मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर करी है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे, यू कैन आस्क मी, ओके बेटा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने पिक्चर्स शेयर करे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हवा देखो जा रही है गर्म हवा, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा जा रही है गर्म हवा आ रही है, इस पिक्चर में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो कि हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है वो है विंड। क्या है विंड? जो हवाएं होती हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और ओरिजिन ऑफ द विंड इट मे आइदर बी हॉट और कोल्ड। तो ये डिपेंड करता है कि हवा जो है वो कहाँ से आई है, ठीक है, इस पर डिपेंड करते हैं वो हवा गर्म है ठंडी है ह्यूमिड उसमें ह्यूमिडिटी है ना। अगर वो किसी ठंडी जगह से आई है, वो हवा ठंडी जगह से चल रही है तो वो हवा में क्या है ठंडक होगी। अगर गर्म जगह से आ रही है राजस्थान वगैरह से आ रही है तो उस हवा में क्या है, अगर ओरिजिन मतलब वहाँ से आ रही है जहाँ से ओरिजिन हो रही है हवा तो गर्म प्लेस है तो वो हवा गर्म होगी। अगर किसी कोस्टल एरिया से आ रही है वो हवा तो उसमें ह्यूमिडिटी होगी, तो क्या होगा उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हवा कैसी है और किस तरीके की है, और ये हमारी जो वो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा चेंज डालती है, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने ह्यूमिडिटी बताया था आपको कि हवा में नमी होती है, राइट, तो हवा में नमी होती है तो बारिश ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है हवा कैसी, अगर उस हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर बारिश होगी, तो इन्फ्लुएंस डालती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, राइट। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो है ओशन करंट। क्या है वो? ओशन करंट। देन इसमें है करंट इज एनी मोर और लेस परमानेंट और कॉन्टीन्यूसली डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर दैट फ्लो इन वन ऑफ द अर्थ ओशन। दैट करंट आर जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स एक्टिंग अपॉन द वाटर लाइक द अर्थ रोटेशन द विंड टेम्परेचर एंड डिफरेंसेस एंड द ग्रेविटेशंस ऑफ द मून। तो डिपेंड करता है जो करंट ओशन किस साइड को बह रहा है कैसे बह रहा है उस पर ये डिपेंड करता है हमारा जो क्लाइमेट है वो इस पर डिपेंड करता है कि ओशन करंट किस डायरेक्शन में चल रही है किस तरफ से चल रही है, राइट। एंड लास्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आज का बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक है और आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात होती है, आप सभी को पता होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग क्लाइमेट वेरिएशन इज द ह्यूमन फैक्टर। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रेटर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल कॉजिंग ग्रेटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। बेटा ग्लोबल वार्मिंग हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है और कर रहा है नाउ दिस जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जिसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रखा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेटा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन आपको पता है जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी कम होती है ना। तो पेड़ पौधे कट रहे हैं तो क्या होती है बारिश वहाँ पे कम हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड जो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है तो उसका टेम्परेचर क्या है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता भी होगा
कि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे पिघल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे के ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारी अर्थ के लिए, ठीक है। फिर आगे है ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू एन एवरेज इंक्रीजिंग इन द अर्थ, मैं आपको बता दिया कि टेम्परेचर जो है क्या है, बढ़ता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है, हवा में चेंज आएगा, इसकी विंड्स में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो ओजोन लेयर हमारी अर्थ को जो प्रोटेक्ट करती है ना, उसमें भी होल हो गया है, जिसकी वजह से रेडिएशन आती है, और ये क्या कहते हैं, ह्यूमन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा, मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें शॉर्ट आउट जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमारे अर्थ को, अर्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एंड क्लाइमेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हम क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। आप अभी भी आप देखते हैं, मतलब अब अगर हम अपनी पहले की जनरेशन से बात करें, अब की जनरेशन को देखें, तो आप अपनी दादी परदादी से ही पूछ लेना कि जो अब जो जो मौसम है वो टाइम पे नहीं आते, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं होती, आगे पीछे होती है, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होती, गर्मी होती तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती, ठीक है। सो बेटा, आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा ये चैप्टर आज का, क्लाइमेटिक वेरिएशन, ठीक है। तो हमारे चैप्टर आज कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट सॉरी पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, एंड ध्यान से पढ़ लेना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम एंड कोई भी इशू है, जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा ही बोलती हूँ, तो वो हम शॉर्ट आउट करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो, और व्हाट्सएप, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम इसमें इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेटा आज मैंने जितना ही पढ़ाया है, तो आपको सेल्फ इसमें से, मीन्स एक्सरसाइज नहीं, सेल्फ ही आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, कोई भी 10 क्वेश्चंस आप इसके बारे में बना सकते हो, मीन्स ज़्यादा ही बनेंगे, बट आप 10 क्वेश्चंस इसमें से बना सकते हो, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, अपना ध्यान रखना, ओके, बाय बाय।